अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू नेहास यूनिक किचन। आज हम बनाएंगे चिकन काली मिर्च कढ़ाई। मैंने इस तरह से इसे सर्व किया है। ये प्रेजेंटेशन आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। सबसे पहला हम ले लेंगे चिकन लेग पीस। इसमें सिर्फ 2 पीस एक्स्ट्रा मैंने विंग्स के डाले हैं, बाकी 6 पीस चिकन लेग पीस के हैं। आप इसे नॉर्मल दूसरी चिकन में भी बना सकते हैं। उसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। यहाँ पे हमने सॉल्ट डाल दिया है, मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ। इसमें हमने डाल दिया है 3 स्पून्स भर के दही। टोटल हमने 1/2 कप दही डाले हैं और इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स। मिक्स होने के बाद में इसे हम साइड में रख देंगे 5 to 10 मिनट्स के लिए। तब तक हम दूसरे मसाले की प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ ऑनियन ले लिया है, 9 to 10 गार्लिक, 2 ग्रीन चिलीज और 1 इंच जिंजर का। कढ़ाई में सबसे पहला हमने ऑयल डाल दिया है। यहाँ पे हम छोटा पीस जावित्री का डालेंगे, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अभी हम डाल देंगे ऑनियन, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली। इसे थोड़ा सा भून लेंगे ताकि ऑनियन हमारी सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे हम डाल रहे हैं हैंडफुल ऑफ काजू, जिसकी वजह से हमारी ग्रेवी क्रीमी बनेगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए ऑनियन हमारी सॉफ्ट हो गई है। इसे हम कढ़ाई में से निकाल देंगे। ठंडा करने के बाद में इसे हम पीस देंगे। सेम कढ़ाई में हम डाल देंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखे थे। बहुत इजी तरीके से इस ग्रेवी को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप बिगनर भी है तो भी आप इसे ईजिली बना सकते हैं, या फिर अगर आप ऑफिस जाते हो तो भी आप इसे झटपट बना सकते हैं। इसे आप कुकर में भी बना सकते हैं, सारे मसाले और सब मैरिनेट की हुई चिकन को डाल के आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं। देखिए हमने ऑनियन, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली को जो पीसे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखे है ताकि अच्छे से हमारी चिकन और मसाला कुक हो जाए। ड्राई स्पाइसेस में 1/2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून पेपर पाउडर, इसमें हमने पिंच ऑफ गरम मसाला पाउडर, पिंच ऑफ क्यूमिन पाउडर और पिंच ऑफ वाइट पेपर पाउडर। अगर आपके पास वाइट पेपर पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सारे ड्राई स्पाइसेस डालने के बाद में इसे मिक्स कर दिया है। सॉल्ट की थोड़ी सी कमी थी तो मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दी हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम ढक के रखेंगे ताकि ऑयल सरफेस पे आ जाए। देखिए ऑयल सरफेस पे आ गया है और माशाल्लाह से हमारी ग्रेवी भी अच्छे से रेडी हो गई है। कितनी मज़े की लग रही है। इस ग्रेवी में मैंने ऑयल का कम यूज़ किया है क्योंकि बहुत क्रीमी होती है, बहुत ज़्यादा हैवी भी हो जाएगी। ऑयल अगर आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्रीम डाल दिया है और कस्तूरी मेथी डाल दिया है 1 पिंच। क्रीम अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, अगर आपको क्रीम स्किप भी करना है तो आप कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारी ग्रेवी एकदम क्रीमी है। यहाँ पे लास्ट में हमने कोयले का दम दे दिया है जिसकी वजह से रेस्टोरेंट का फ्लेवर और इसका टेस्ट आता है। यहाँ पे कुछ यूनिक तरीके का डिश आउट करेंगे। पास में ही हमारे एक होटल है, वहाँ पे मैंने देखी थी कि इस तरह से वो लोग सर्व करते हैं। बट उसकी एक प्रॉपर स्टैंड होती है जिसमें हम रोटी को हैंग कर सकते हैं। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी लेंगे ताकि हम भी प्रोफेशनल तरीके से इसे डिश आउट कर सके। मैंने इसमें स्टिक की मदद यूज़ की हूँ, लेकिन हम इसका प्रॉपर स्टैंड लेंगे जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा लगेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। हमारी चिकन काली मिर्च कढ़ाई तो इतनी मज़े की बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। Thank you so much for watching. Stay safe, stay healthy. Bye.